अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इटली स्कॉलरशिप्स के ऊपर, यानी इटली में क्यों अप्लाई करते हैं, इटली में कौन सा स्कॉलरशिप उनको मिलता है जो कि हमारे पास उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। या आपने देखा होगा इटली की अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। और क्या आपको इस पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स की और अपॉर्चुनिटीज़ की और आपसे रिलेटेड जितनी भी और मज़ीद जो है ना वो चीज़ें आती रहती हैं उनके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखें, स्कॉलरशिप्स जो हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, यानी एक अपॉर्चुनिटी होती है। डेफिनेटली हर बंदे का एक ख्वाब है कि वो जो है ना वो अपनी बैचलर की डिग्री के बाद या मास्टर्स की डिग्री के बाद या एफएससी के बाद जो है ना अब्रॉड स्टडी के लिए जाए। सही, और वो जो ख्वाब होता है उसमें सबसे पहली डेफिनेटली चीज़ होती है कि अच्छा किसी और जगह जाएंगे, नया लाइफस्टाइल होगा, अच्छी जो है ना हमारे पास जगह होगी, ग्रूमिंग होगी, और नेक्स्ट जो है ना वो अपने लिए फाइनेंशियल या जो कैरियर मतलब डेवलपमेंट है वो हमारे पास आपकी हो सकेगी। तो उसके लिए जो है ना इटली सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वजह से लोगों के लिए है क्योंकि इटली के अंदर जो है ना जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए, यानी जब आप जो है ना वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको जो है ना इटली की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। अब ये गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है ये तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी दे रही होती हैं या बाकी कंट्रीज़ में भी जो है ना वो आ रही होती है। तो व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस कंट्री, यानी इस कंट्री के मुतल्लिक क्या ही ऐसी बात है कि सारे लोग इधर ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो देखें, यहाँ पर जो है ना मैं आपको दो तरह की चीज़ें बताने लगा हूँ। देखो, यहाँ पर इटली के अंदर दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है। अब यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जो है ना जनरल जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इटली में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास पाविया है, पाडवा है, ब्लोनिया है, और इसी तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही होती हैं अपने स्टूडेंट्स को। अब ये वाली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं ये मेरिट स्कॉलरशिप होती हैं। अब मेरिट स्कॉलरशिप क्या होती हैं, आपको पता है कि मेरिट स्कॉलरशिप में कंपटीशन होता है, लोग दुनिया भर से अप्लाई कर रहे होते हैं इटली के अंदर, तो उनको जो है ना वो हमारे पास सबसे सूटेबल जो कैंडिडेट होता है जिसकी अच्छी CGPA होती है या इसका अच्छा बैकग्राउंड होता है या जो भी उनको रिक्वायर है उसके मुताबिक वो उसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। दिस इज़ द वन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप जो कि इटली में अवेलेबल है, और डेफिनेटली इसकी वजह से सारे तो इधर नहीं जा रहे क्योंकि जो है ना ये तो और भी जगह आपको मिल जाती हैं। तो व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इटली, इटली के बारे में स्पेशल ये है कि इटली के अंदर इटली की जो गवर्नमेंट है वो रीजनल स्कॉलरशिप जो है ना प्रोवाइड करती है। अब रीजनल स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं कि इटली के अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं और हर रीजन के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो जब आपका उस रीजन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट है वो वहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट को सपोर्ट करती है, और ये सपोर्ट किस बेस पर किया जाता है, ये सपोर्ट किया जाता है आपकी जो फाइनेंशियल इनकम यानी आपकी है उसकी बेस पर। यानी इसके लिए आपको मेरिट की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ये नीड बेस होती हैं। जैसे आपने यहाँ पर सुना होगा HEC की नीड बेस स्कॉलरशिप्स हैं, तो ये नीड बेस स्कॉलरशिप्स होती हैं और इनमें जो है ना आपको आपको अपनी मेरिट यानी मेरिट शो नहीं करवाना पड़ता। इट्स नॉट अबाउट योर CGPA, इट्स अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस। और वो आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारे पास डेफिनेटली वहाँ का जो एक फाइनेंशियल वो उनका क्राइटेरिया है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो सालाना इतनी नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मली जो है ना लोग उससे नीचे ही फॉल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से दे गो फॉर दैट स्कॉलरशिप्स जो कि हमारे पास हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स। अब उनके लिए क्या करना होता है, उनके लिए कुछ नहीं करना, मतलब करना तो है लेकिन सबसे पहले जो है ना एडमिशन लेना है वहाँ की किसी रीजन की यूनिवर्सिटी में। जब आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा तो फिर आप वहाँ की रीजन को रिक्वेस्ट करोगे, यानी वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होगी उसको आप अप्लाई करोगे या रिक्वेस्ट करोगे, अप्लाई करना डेफिनेटली कि मुझे जो है ना मेरा एडमिशन हो चुका, अब मुझे सपोर्ट किया जाए। उसके लिए आपके वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगते होते हैं जिसमें जो है ना वो हमारे पास आपके जो इनकम सर्टिफिकेट हैं और चंद कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसकी भी डिटेल्स जो है ना यूनिवर्सिटी हम इस चैनल के ऊपर डिटेल्स बताते रहेंगे आपको। तो अब जब हमारे पास आप वहाँ अप्लाई कर देते हो तो आपकी वो स्कॉलरशिप हो जाता है जो कि हमारे पास, यानी
क्योंकि वो मेरिट बेस होता नहीं है, तो उसमें जो है ना वो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी वे हाई होते हैं। इस वजह से सारे ही लोग इधर जाते हैं, और क्योंकि हमारे पास वो एक इजी टू गो डेस्टिनेशन है। अब अपॉइंटमेंट्स भी इसी वजह से मसले बने हैं कि जनाब वो क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे थे, अब उनके लिए एम्बेसी के बाद अकोमोडेट करने के लिए जो है ना वो है ही नहीं कि डेफिनेटली इतने ज़्यादा लोगों को कैसे अकोमोडेट करे, तो वो रश बन जाता है। इसकी आप मिसाल इस तरह से देखिए, जैसे कराची में कौंसलेट है और इस्लामाबाद में जो है ना वो एम्बेसी है, दोनों जगह अप्लाई होता है। कराची कौंसलेट में अप्लाई कर सकते हैं सिंध और जो बलूचिस्तान के हैं लोग, और बाकी इस्लामाबाद में अप्लाई कर सकते हैं पंजाब और केपी के। तो वहाँ के जो लोग हैं, अब वो डेफिनेटली कराची और वहाँ के जो लोग हैं टोटल, यानी जहाँ वहाँ एप्लीकेंट्स हैं वो कम हैं और इधर वाली साइड पे ज़्यादा हैं, तो वहाँ जो है फिल भी अपॉइंटमेंट्स के इतने ज़्यादा मसले नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मसले आए। तो क्या अब आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? 100% अप्लाई करना चाहिए, लेकिन देखें हमेशा जो है ना हमारे पास आप अपने साथ साथ कुछ और भी, यानी पैरेलल में कुछ चीज़ें रखें, ऑप्शंस रखें। अब मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो भाई मास्टर्स के लिए तो और बहुत सारी जो है ना कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा या आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वहाँ पर भी अप्लाई कर दें। आप साथ में फ़्रांस वाला ऑप्शन भी रखें, आप साथ में जर्मनी वाला ऑप्शन भी रखें, आप साथ में जो है ना वो कोई और ऑप्शन भी जो है ना रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है। किसी को क्या पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपॉइंटमेंट्स वाला सिनेरियो ऐसा ही रहेगा, ये ठीक भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत उन्होंने जैसे इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट्स की, सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव किया और आगे मज़ीद भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। तो ज़रूर अप्लाई करें इसमें, और अगर आपको हमारी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे मौजूद हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें नीचे मौजूद होंगी। इन पर ज़रूर फॉलो करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस पूछें, आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतरीन गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।